हेलो मोहित, कहाँ पर हो? मैं खाने का वेट कर रही हूँ और तुम हेलो हेलो फोन काट दिया। क्या तुम कुछ खा के आए थे क्या? अच्छा, नहीं, दूध गर्म कर देती हूँ, दूध पी के सो जाना। मोहित, खुशी नाश्ता कहाँ है यार? मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी आओ। आ रही हूँ मोहित। मोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो कल रेंट के लिए आए थे तो वाले आए थे तो उन्हें बोलना कि नेक्स्ट मंथ से आए। लॉकडाउन अभी खुला है तो आराम से देंगे, और 2 महीने का नहीं देंगे हम। बोल ठीक देना, बात करना उनसे एक बार। ठीक है, मैं उनको बोल दूँगी। वो टाटा स्काई का रिचार्ज भी ले रहा था। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि मुझे कुछ पैसे आप दे दो। घर के राशन भी ख़त्म है और बिजली का बिल भी जमा करना है, तो मैं वो कर देती हूँ। अभी खुशी तुम्हें पता ही है, ऑलरेडी बिजनेस में लॉस चल रहे हैं।
जा रहा हूँ मैं ऑफिस, आके बात करते हैं फिर। पापा ने बोला था ना 2 महीने पहले कि वो हमारी कुछ हेल्प कर देंगे। वो लॉकडाउन से पहले बोला था ना, क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। या बिजनेस सबका ही लॉकडाउन के बाद सबका ही खराब हुआ है, सबका लॉस हो रखा है, और उन्होंने बोला था कि हेल्प करेंगे वो हमारी, और अगर रिश्तेदार काम नहीं आएंगे कब काम आएंगे फिर वो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, बात एक बार बात तो करके देखो उनसे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ बात करने की। हाँ बोलो उनसे कि हेल्प चाहिए थोड़ी, और हम दे देंगे उन्हें, थोड़े टाइम बाद हम वापस कर देंगे जब हमारी सही हो जाएगा बिजनेस। ओह शिट, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी, कैसे चला रहे हो गाड़ी? अभी लग जाती तो हद होती है, बड़े बाप की औलाद है ना, क्या समझते हो तुम लोग? तुमने क्या गाड़ी के साथ साथ क्या सड़क भी खरीद ली है क्या? अरे मैडम गलती तो आपकी भी है ना। अरे मेरी गलती कैसे है, मैं तो सही चल रही थी, तुम ही आए थे बीच में, हद हो गई यार, अभी लग जाती तो। अरे जितेश तुम? अरे खुशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मैं वो मार्केट गई थी, मेरे यहाँ पास में घर है। अरे यार तुम्हारे लगी तो नहीं यार? नहीं नहीं ठीक लगा, इट्स ओके। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो पास में घर है मेरा। तो तुम यहीं रहती हो? हाँ कॉफी भी पी लेंगे इसी बहाने। चलो यार घर तो बहुत अच्छा बना रखा है तुमने। यार तुमने शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं। वो इतना जल्दी हो गया ना तो मैं किसी को बुला नहीं पाई। अरे तुम बताओ बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस अभी न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया था और जस्ट लॉकडाउन लगते ही सब लॉस में हो गया, लॉस पे लॉस होता रहा और अभी भी चलते ही जा रहा है। बट छोड़ो क्या रखा है इन बातों में, अपनी अपनी किस्मत। तुम बताओ। अरे मेरा तो बढ़िया चल रहा है, अभी जैसे बताया मैंने पिछले महीने ही 2 फैक्ट्री खोली है सिंगापुर में। ओह वाओ अच्छा है सिंगापुर। अरे ये सब छोड़ो, कॉलेज टाइम पे कितने मजा किया करते थे हम लोग। बहुत ज्यादा ना, उस टाइम के दिन ही अलग थे। वैसे एक बात बताऊं, कॉलेज टाइम पे सबसे सुंदर लड़की लगती थी तुम मुझे। अच्छा तो क्या अब नहीं लगती? अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब तो और ज्यादा सुंदर हो गई हो। ओह फ्लैटिंग कर रहे हो? अरे कहां, सच बता रहा हूँ। वैसे तुम भी काफी स्मार्ट हो गए हो पहले से हैंडसम। हाँ अच्छा ठीक है, मैं भी कुछ काम है तो। अगर मोहित को पता लग जाएगा तो बहुत बुरा होगा, और मुझे बता दो। वैसे खुशी मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। जितेश तुम मेरी बात को समझो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया ना, मोहित को बहुत बुरा लगेगा और मैं ये नहीं कर सकती।
अब शायद तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि मोहित का आने का टाइम हो चुका है। कोई नहीं, आने दो, मैं उससे भी मिल लूंगा। वैसे खुशी इस पे लोन कितने का होगा? शायद करोड़ों में है। करोड़ों में? ये रही मेरी चेकबुक, इसमें अमाउंट भर दो, मैं साइन कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं ले नहीं सकती और बिना मोहित के पूछे तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती। कोई नहीं, तुम अभी इसे रख लो, मुझे जब बिजनेस चलेगा तब वापस कर देना। नहीं ले सकती। रख लो, सोच लेना इसके बारे में, मैं बेडरूम में वेट करूँगा। जितेश बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मोहित को पता लग गया तो। कुछ नहीं होगा, फिर भी मोहित को नहीं पता चलेगा। लगता है मोहित आ गया। जितेश खुशी मेरी कॉलेज फ्रेंड है। और अच्छा, तो खुशी बताया नहीं तुमने? हाँ वो कॉलेज फ्रेंड है, आज आना हो गया। बस यही पास से गुजर रहा था, मैंने कहा मिलता जाऊँ। नहीं अच्छी बात है भाई, आओ बैठते। खुशी चाय वाय बनाओ, कुछ खिलाए पिलाए नहीं खिलाए? कुछ खिलाए इन्होंने? हाँ भाई, वो बस चाय पिलाई थी, बहुत अच्छी चाय बनाती है। चाय अच्छी बनाती है, हमारे लिए भी लेके आ जाओ चाय। जी ला रही हूँ। और बताओ यार क्या चल रहा है तुम्हारा? बस भाई बढ़िया चल रहा है, अभी बस सिंगापुर में एक महीने पहले काम स्टार्ट किया है। वेरी गुड। दो नए बिल्डिंगें खरीदी हैं। तुम बताओ? यार मेरे तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ वो मेरे को खुशी ने बताया कि लॉकडाउन से पहले कुछ नया काम स्टार्ट करना था। हाँ तो कुछ लॉसेस चल रहे थे, मैंने अपनी साइड से कुछ हेल्प करी है। कैसी हेल्प? वो मैंने खुशी को चेक दिया था, तो जो भी अमाउंट होगा उसमें डाल देना, बाकी साइन मैंने कर दिया है। अरे कोई नहीं, इतना तो चलता है। थैंक यू भाई।
बिजनेस में बढ़ाव चढ़ाव तो चढ़ते रहते हैं। नहीं कोई नहीं, जितनी जल्दी होगा मैं, कोई नहीं जब होगा बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वापस कर देना। थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई नहीं, कल संडे आराम से बैठते हैं, दारू पीते। ठीक है, तुम चाय का मजा लो, मैं तो चाय पी चुका। मैं तो कह रहा हूँ रुक जाओ, मैं तो अभी आया हूँ। नहीं भाई, वो बस मीटिंग थी काम के लिए, नया काम शुरू किया ना, तो बस उसी लिए मीटिंग थी। चलो चलो चलते हैं, मिलेंगे दो दिन, मिलते रहेंगे अब तो। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू भाई, बाय खुशी, बाय। आज तो तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। अच्छा क्या हुआ? मुझे किचन में कुछ काम है और जितेश आ रहा होगा। चीयर्स। बहुत ज्यादा हो गई। अरे कहाँ यार, अभी आधी बोतल पड़ी है भाई, पूरी बोतल खत्म हो गई, ध्यान से देख भाई। अरे मोहित, तो शिल्पा याद है? हाँ, जिसके पीछे मार खाते खाते बचे थे, उसे कैसे भूल सकता हूँ। तूने वाइफ को आपको बताया इसने? नहीं बताया। कौन सी लड़की थी यार? एक स्कूल टाइम में। अच्छा, क्रश थी हमारी, मेरी क्या, दोनों की थी यार। बहुत पिटे हैं यार उसके चक्कर में। उसके भाई आ गए थे स्कूल के बाहर, बहुत मार पड़ी। हम 8th में थे और वो 12th में थी। मतलब तुम लोगों ने बहुत मस्ती की है। बहुत बढ़िया थी यार वो। स्कूल की तो लाइफ ही अलग थी। और मोहित यार ज्यादा हो गई यार, ज्यादा हो गई। अरे मुन्नी याद है? हाँ, स्कूल में थी, बड़ी कैंट थी यार। लेकिन कौन कौन सी लड़कियों की बातें कर रहे हो? थी कुछ पुरानी यादें, दोनों की क्रश हुआ करती थी जो। लेकिन तुम्हारी बीवी तो सबसे ज्यादा। मेरी बीवी तो है सेक्सी, है ना यार, ज्यादा हो गई। पूरा कॉलेज पीछे था तुम्हारी बीवी का। अच्छा, मेरी किस्मत अच्छी है। अब एक काम करते हैं, अभी पैक पीने दो, काम बाद में कर लेंगे यार। बहुत ज्यादा हो चुका है तुम लोगों का काम, यार तो चलता रहता है। जब मुझे 200 करोड़ का तुमने चेक दे दिया। अरे मोहित, 200 नहीं, 1 करोड़ है भाई। कार बहुत अमीर हो यार मोहित। अरे कार जितेश, बस करो, तुम लोगों को बहुत चढ़ गई है। तुम्हारी इतनी सारी फैक्ट्री है यार, पैसे वाले हो तुम। अब मैं खाना लगा रही हूँ, प्लीज अब दोनों खाना खा लो। ठीक है, आप खाना लगाओ, मैं खत्म कर गया। हाँ ठीक है मोहित, अब इसके बाद नहीं पीना, हो गया। बस मैं अब खाना लगा रही हूँ। कोई नहीं, इसमें से पी ले जब तक। नहीं
आता हूँ, मैं बोतल ले आ रहा हूँ। बोतल ले आओ।